हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन इन संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.4 एंड इन दिस एक्सरसाइज वी डिस्कस डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन क्लोजर, सेकंड वन कम्यूटेटिव, थर्ड वन एसोसिएटिव, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिवीजन में बच्चा रैशनल नंबर में कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है बच्चा, आपको डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है बेटा, डिवाइड जब हम करते हैं तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रहता है, सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पीछे नंबर हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सो 12/9 एज इट इज़, सो दिस बिकम 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 8, सो दिस बिकम -4 मल्टीप्लाई 2 -8 एंड 19 1 ज़ा 19। इन द सेम वे रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। सो फर्स्ट पार्ट लेट अस डिस्कस, 2/-9 मल्टीप्लाई 3/7 डिवाइडेड बाय 3/28। सो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो दिस बिकम -2/21। डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई एंड दिस बिकम 28/3, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, सो योर आंसर इज -8/9। इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, देन वी फाइंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स कभी भी इक्वल नहीं आएंगी। सो द स्टेटमेंट इज सॉल्व। डिवाइड है बच्चा, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम 10/26, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2, 13 2 ज़ा 26, सो दिस बिकम 2/13। राइट हैंड की बात करेंगे तो 26/10 डिवाइडेड बाई 2/5, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 5/2, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से कट गया 26, 13/2, दोनों सेम नहीं आए। इन द सेम वे आपका थर्ड पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा 15/2 को आपको डिवाइड करना है x से, आंसर 3/5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सो 15/2 एज इट इज़ डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, x बन जाएगा 1/x। अब आपको 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो इस नंबर को हम इस साइड ले आएंगे तो इनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी। सो दिस बिकम, ये कट भी हो रहा है, 6/75, सो 1/x की वैल्यू 6/75 है, तो x की वैल्यू आगे 75/6, 3 से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25/2। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर 3/4 है, दो नंबर की मल्टीप्लाई -3/4 है, वन नंबर -6 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो बच्चा दोनों की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर से, आंसर आ जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है, तो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि -3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको -4 आंसर मिल जाए। तो मैंने सपोज कर लिया कि मैंने x को मल्टीप्लाई किया है -3/5 से, आंसर क्या आ गया -4, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड ले आएंगे, पोजीशन क्या हो जाएगी चेंज, -+, 5 4 ज़ा 20, सो ये आंसर इज 20/3। सेम क्वेश्चन नंबर 8 और 6 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बच्चा इन दोनों के सम को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो इन दोनों का सम निकाला 7/4, इनका डिफरेंस निकाला -5/4, डिवाइड था, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज -7/5। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई से, सम का एलसीएम आ गया 10, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, सो दिस बिकम 9/10, डिवाइड करना था, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15/4, तो ये बन जाएगा बच्चा 4/15। अब कट करेंगे, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6/25। क्वेश्चन नंबर 11, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन है क्या कह रहा है बच्चा, 3 3/4 मीटर लंबा कपड़ा 98 1/4 रुपीज़ में आता है, तो 1 मीटर कितने में आएगा, इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। आई थिंक डिवाइड आप इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बच्चा एक बस ने इतना डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में, तो उस बस की स्पीड क्या होगी। स्पीड हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, स्पीड आ गई। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा एक बहुत लंबी रस्सी है, उसकी लेंथ है 117 1/3 मीटर, और उसके छोटे छोटे पीस किए, 1 पीस की लेंथ 7 1/3, तो कितने पीस हुए। टोटल रॉप की लेंथ को डिवाइड कर देंगे 1 पीस की लेंथ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, 2.5 kg ऑरेंज का रेट दे रखा है, 1 kg का रेट निकालना है, तो कॉस्ट को 2 1/2 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालने, तो ब्रेथ कैसे निकालते हैं, एरिया को डिवाइड कर देते हैं लेंथ से, तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ आपकी ब्रेथ आ गई. सो दिस इज एक्सरसाइज 1.4. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट 1.5. टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ.